गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्लस वन क्लास। आज हम पढ़ेंगे घराना। घराना किसे कहते हैं? घराना से आप समझ गए होंगे, यानी कि परिवार। साधारण शब्दों में घराने का अभिप्राय खानदान या कोई ख़ास विशेषताओं वाला परिवार, जिसमें गुण अवगुण को लोग भली भांति अनुभूत करते हैं। संगीत संदर्भ में घराने का अर्थ है इसी रूप में प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात संगीत का वह विशिष्ट संप्रदाय या शैली जिसमें संगीत के मूल तत्व स्वर, लय और ताल की मौलिक जानकारी दी जाए। घराने से मतलब किसी विशिष्ट गुरु परंपरा से होता है, जहां गुरु और शिष्य आमने सामने बैठकर संगीत की शिक्षा दें। गुरु शिष्य परंपरा शास्त्र कला दोनों के लिए आवश्यक मानी गई है। शास्त्र तथा कला के सूक्ष्म अंगों का ग्रहण तब तक संभव नहीं जब तक योग्य गुरु न मिल जाए। विद्या अथवा कला की सफलता में जितना योगदान शिष्य का है, उतना ही योग्य आचार्य गुरु का भी है। संगीत में घराना तभी बनता है जब शिष्य लगातार 3 पीढ़ियों तक किसी खास परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उसमें प्रांगत हो। स्टूडेंट्स, अभी आपने पढ़ा कि साधारण शब्दों में घराना परिवार को कहते हैं, जो कि गुण और अवगुण भलीभांति लोग उस घराने के पहचानते हैं। और संगीत में घराने का अर्थ यह है कि गुरु शिष्य परंपरा, जिसमें गुरु के आमने सामने शिष्य बैठकर संगीत की शिक्षा दीक्षा लें। कला और शास्त्र का ये दोनों का ही मेल है, जिसकी शिक्षा गुरु शिष्य परंपरा में ली जाती है। और इसमें बताया कि अगर किसी शिष्य ने कामयाब होना है संगीत में, तो उसे एक अच्छे गुरु की तलाश करनी चाहिए। जितना ही अच्छा गुरु उसे मिलेगा, उतना ही अच्छा और जल्दी वह सफल हो पाएगा संगीत जगत में। तो दोनों के प्रति वही बात है कि शिष्य अगर मेहनत करता है तो गुरु को भी उसके साथ मेहनत करनी चाहिए। जिस प्रकार गुरु टाइम टू टाइम उसे बताएगा कि इस प्रकार अभ्यास करना है, इन इन चीज़ों का अभ्यास करने से आप सफल गायक बन सकते हैं, तो शिष्य भी गुरु की आज्ञा का पालन करें तो ही वह शिष्य कामयाब हो सकता है। घराना को हम कुटुंब परिवार अर्थात कुल के नाम से भी जानते हैं। घरानों का प्रचार उत्तर तथा दक्षिण दोनों में बराबर पाया जाता है। जो हमारे भारतीय संगीत हैं, इनमें 2 मत हैं, दक्षिण पद्धति और उत्तर भारत पद्धति। तो दोनों में ही संगीत के घराने हैं, और जिसमें संगीत की शिक्षा दी जाती है। उत्तर में घराना को ही दक्षिण में संप्रदाय कहा जाता है। पाश्चात्य में भी इसके लिए स्कूल्स शब्द का प्रयोग किया जाता है। घराना रीति या शैली का ही दूसरा नाम है, जिसमें परंपरागत रूप से संगीत की दीक्षा शिक्षा चलती रहती है। घराना एक विशिष्ट गायन शैली, वादन शैली तथा नृत्य शैली का सूचक है, जहां शैली का या रीति जिस प्रकार कलाकार के द्वारा परिवर्तित तो होती है, उसी के नाम से या निवास स्थान से उस घराने का नामकरण होता है। यानी कि जो कलाकार फेमस होता है संगीत जगत में, उसका बहुत सारा या दूर दूर तक उसका नाम हो चुका होता है, जब उसकी 3 पीढ़ियां उस क्षेत्र में आगे बढ़ती चली जाती हैं, तो उसके निवास स्थान यानी कि शहर के नाम से या उसके कुल के नाम से उस घराने का नाम
करण किया जाता है। प्रत्येक घराने का एक मुख्य गुरु मार्गदर्शक होता है जो उस घराने की शिक्षा का आयोजन करता है। गुरु शिष्य को तालीम देता है यानी कि शिक्षा देता है और शिष्य भी बड़ी श्रद्धा के साथ कला की खूबियां बटोरता है। उस्ताद की लगभग सभी विशेषताएं शिष्य के कंठ में आ जाती हैं। उस्ताद शब्द यानी कि टीचर। घराने के सुरक्षित चलते रहने में अनुकरण की प्रवृत्ति बड़े महत्व की होती है। जहाँ पर अनुकरण का स्थान स्वतंत्र प्रतिभा या कल्पना ले ले, वहीं पर घराने का अंत हो जाता है। घराने के प्रारंभ और उसके भविष्य में सुरक्षा के लिए प्रवर्तक कलाकार का निजीपन जो आवश्यक है, लेकिन घराने के सुरक्षित रूप को बनाए रखने के लिए शिष्य की व्याकृतिकता घातक को हो सकती है। व्यक्तिगत घराने का संगीत सुनने की इजाज़त केवल घराने संबंधी शिष्य को ही होती थी, यानी कि जिसने घराने में तालीम ली है, शिक्षा ली है, वही उस घराने को आगे बढ़ाने के लिए योगदान देता है अपना, और वही गुरु बनता है। गुरु कभी भी यह पसंद नहीं करता था कि उसका वंशज अथवा शिष्य किसी दूसरे घराने की शैली को गाए या उसकी शैली किसी और में बांटे। यानी कि गुरु यह कभी नहीं चाहते कि उनका जो घराना है वो दूसरे जो उस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि जिनका संबंध है उस घराने के गुरु से, वह किसी अन्य घराने में जाकर शिक्षा दीक्षा ना ले, नहीं तो वह उस घराने का नाम नहीं कर पाएगा दूसरे घराने में अगर वो चला जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं ख्याल गायकी के घराने। यूं कहें कि ख्याल गायकी के घराने अनेकों प्रकार के हैं, जिनमें अपनी अपनी एक विशेषता है। आधुनिक समय में ख्याल गायन प्रचलन में है, इसीलिए ख्याल गायन के घरानों का वर्णन किया जा रहा है। दिल्ली घराना। ख्याल गायकी के प्राचीन घरानों में दिल्ली घराने का नाम आता है, जो कि मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में पनपा, बहादुर शाह जफर के गुरु गुलाम हुसैन मियां अचपल इस घराने के संस्थापक समझे जाते हैं। दिल्ली घराने के कलाकारों में उस्ताद चांद खां, उस्ताद उस्मान खां, नन्ने खां, उस्ताद सम्मन खां, उस्ताद मम्मन खां, उस्ताद बुंदू खां, नसीर अहमद,